प्रणय की इस मधुर बेला में जब तम रज में समाहित होता है, तब उत्पत्ति होती है रक्त कण की, सूर्य नभ में प्रकाशित होता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि कुमार, स्वागत है आपका खेती किसानी में। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मिलिए आज के किसान भाई श्री योगेश कुमार जी से, जो सुबह 5 बजे से उठकर अपने खेतों की तरफ चल पड़े हैं। यही है इनका जीवन, यही है इनका यापन। टूटा फूटा घर मेरा, बस 2 वक्त की रोटी है। हम बुरी हालातों से लड़ने वाले किसान, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वो जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश में भी उसकी साधना को कोई नहीं तोड़ पाता। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है, जो गांवों में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। मेहनती होने के साथ साथ सादा जीवन व्यतीत करने वाले ये किसान ही तो हैं। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता ये पानी ही तो है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती तो किसान उदास हो जाता है। इनकी दिनचर्या रोजाना एक सी ही रहती है। किसान ब्रह्म मुहूर्त में सजग पहरी की भांति जग उठता है। वो घर में नहीं सोकर वहां सोता है जहां उसका पशुधन होता है। उठते ही पशुधन की सेवा, इसके पश्चात अपनी कर्म भूमि खेत की ओर उसके पैर खुद ब खुद उठ जाते हैं। उसका स्नान, भोजन तथा विश्राम आदि जो कुछ भी होता है वो एकांत वनस्थल में होता है। वो दिन भर कठोर परिश्रम करता है। स्नान भोजन आदि अक्सर पर वो खेतों में ही करता है। सांझ ढलते समय वो कंधों पर फड़वा रखकर, लाठी लेकर अपने बैलों को हाँकता हुआ घर लौट जाता है। यही तो किसान है, यही तो ग्राम है, यही ग्राम परिवेश। आप देख रहे थे खेती किसान। आवाज है ऋषि कुमार की।